सभी सुंदर लड़कियों के लिए। This one for all the Salman Khan fans out there. Just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only... कैसा लगा भैया, मजा आया? डर तो नहीं लगा? कुछ कहना चाहते हो? एक्सपीरियंस बताओ अपना। मजा आ गया भैया, जो देख रहे हो बोलो जल्दी। आप भी बड़े मस्त ना? बहुत बढ़िया। क्या आप देख सकते हो, और मुझे तो काफी डर सा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उठा हुआ है जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। और आएंगे कुछ लोग, उनसे लेंगे उनके जो एक्सपीरियंस है वो कैसा था, उनको डर लगा कि नहीं, देखते कौन आता है, कोई ना कोई तो आएगा ही, अगर मन किया तो हम भी जाएंगे और एक बार ट्राई करके जरूर देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ओह माय गॉड, ओह माय, डेंजरस। कैसा लगा भैया, मजा आया? मजा आया। डर लगा? डर लगा। एक दिन कैसा लगा भैया? मस्त एकदम। डर लगा? डर मस्त लगा भाई। अच्छा, और कैसा लगा? तो बहुत मस्त लगा भाई, बहुत बढ़िया लगी। और कुछ कहना चाहते हो? और आप एक बार ट्राई करिए, आपको चलेगी, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो यहाँ की राइड है इन दोनों के मुकाबले थोड़ी सी कम है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं वो येलो वाले में ले रहे हैं, और वो सामने कौन सी वो है, रैपिड रेसर। रैपिड रेसर, तो इन दोनों पे सबसे ज़्यादा भीड़ है इसके मुकाबले, ओह माय गॉड। तो दोस्तों आज का जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो चुका है, जब मैं अपने घर से निकला था तो बारिश वाला मौसम हो रहा था और ऐसा लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पानी जो भरा हुआ है पूरा वहाँ तक, आपको पानी पानी देखने को मिलेगा, ओह माय गॉड, ओह। तो दोस्तों एक बंदे आए, उनसे जानते हैं इनका जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा। मजा आया भैया, कैसा लगा? एक नंबर। एक नंबर, डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं। तो दोस्तों बूमरैंग को काफी डेंजरस राइड ये कह रहे, बट मुझे ऐसा लगा तो नहीं, और मैंने इजीली कर लिया, और ये कह रहे बड़ी सिंपल है, बट इनमें तो मेरी हालत हो रही है खराब। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे का नजारा। तो दोस्तों ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और पहला एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा, और आप देख सकते हो लहरें काफी देर हो गई है, 1-2 मिनट के आसपास हो चुका होगा, जो लहरें अभी तक बंद नहीं हुई है, और जो यहाँ का एंजॉयमेंट का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया बिकॉज ऑफ लहरें। तो आप देख सकते हो लहरें के बाद यहाँ पे होने वाला है म्यूजिक, म्यूजिक का भी अपना अलग ही मजा होता है। I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. तो दोस्तों यहाँ पे आने का जो मजा है वो अपना अलग ही लेवल का है, और मैं तो कहता हूँ कि गर्मियों में आपको आना चाहिए, अगर आपको एंजॉय करना है तो ये जगह सबसे बेस्ट है। और आपको पता है कि 2 साल के बाद अपना जो वाव है वो खुला है, और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट अभी जो अपना अम्यूजमेंट पार्क है वो अभी ओपन नहीं हुआ है, वो कुछ ही महीनों में ओपन हो जाएगा। अगर आपका प्लान है कि दोनों एक साथ करें तो कुछ महीनों का इंतज़ार करें और उसके बाद यहाँ का जो मज़ा है वो ले। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी इंजॉयबल रहा आज का दिन, से जो नज़ारा आप देख सकते हो चारों तरफ से कितना खूबसूरत और कितना प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। और शाम हो चुकी है, और मोस्टली जो राइड है वो अब कम हो चुकी है पहले के मुकाबले। अगर मैं सुबह की बात करता हूँ तो यहाँ पे इतनी भीड़, मतलब तो हर राइड पर आपको भीड़ देखने को मिल रही थी, जैसे जैसे शाम होती जा रही वैसे वैसे जो
गैदरिंग है, क्राउड है, वो कम हो चुका है। और उसका एक रीज़न एक और है क्योंकि अभी पुल के पास क्या वेव चल रहा होगा, वेव चालू होगा, टावर टू भी चालू है, तो इस समय अभी वेव चालू है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रश कम है, क्योंकि वेव आने के बाद सारे वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। और भैया से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। एक बार मैं आपको बिल्कुल पास से इसका जो नज़ारा है वो दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, वाओ, ये देखिए। तो इसको जो डिज़ाइन किया थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसा है कि देख के ही डर लगता है, बाकी तो सारे नॉर्मल से हैं।